मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि डांस मेरा पक्ष है नहीं। एक्टिंग वगैरह तो हम कर लेते हैं, कॉमेडी भी, लेकिन डांस में हमारा हाथ थोड़ा तंग है। तो हम भिड़ाने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कदम अपने, जो बहुत बढ़िया डांसर्स हैं सारे। देखते हैं क्या होता है। नहीं 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 नहीं, पार्टनर के साथ है और हम लोग शायद, जैसा कि अभी मोटा मोटी तौर पर बताया गया है, हम यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कपल है, हम लोग सीरियल में भी हम लोग थोड़े उस साइड के कनपुरिया और उस तरह लखनवी उस तरह दिखाए गए हैं, तो हमें रिप्रेजेंट उसको यूपी को करना है। हमेशा लगता है। पहले मैं कॉमेडी करता ही नहीं था, बेसिकली मैं थोड़ा सा सीरियस किस्म का एक्टर हूँ, लेकिन मुझे लापतागंज सीरियल जब से मिला, उसने मेरे ऊपर ऐसा ठप्पा लगाया है कि मैं उस ठप्पे को कितना ही धोने की कोशिश कर लूँ, वो धुलता नहीं है। क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैंने बहुत सीरियस थिएटर किया है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया है, प्रोफेशनल, वो भी हार्ड कोर प्रोफेशनल। और तो अभी मेरी कोशिश यही है कि जैसे हमारे ही मित्र हैं सारे जो आजकल OTT में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं उस तरीके का कुछ करें। हालांकि किया है पुराने टाइम में, लेकिन कुछ एक चीज़ें सामने नहीं आ पाई, शायद आएंगी आगे। हाँ, आशा तो करते हैं, लेकिन वो फिलहाल मुझे मनमोहन तिवारी से मैं छोड़ नहीं रहे। अभी मैं लखनऊ गया था तो वो तो पागलों की तरह हमारे, मेरे और आसिफ जी के पीछे थे, मतलब नहीं। हाँ, और वो तिवारी जी कह रहे हैं, मैंने कहा मेरा नाम रोहिताश गौड़ है, बोलते नहीं तिवारी जी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, जब तक आपका प्यार हमें मिल रहा है हमें दीजिए, क्योंकि आपका प्यार मिलता रहेगा तभी तो ये कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने का, तब हम सीरियस काम भी करेंगे और अच्छा काम भी करेंगे। और कॉमेडी तो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, सीरियस से ज़्यादा किसी को हंसाना है, हंसाना सबसे डिफ़िकल्ट काम है।